नमस्कार दोस्तों, जयशंकर के हाल चाल आपके। आई होप मैं ब्यूटीफुली मस्त होगी। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आस पास बारिश लगी हुई है, एकदम मौसम मस्त वाला है। और यहाँ पे ये ऊपर से पानी का फ्लो आता हुआ यहाँ से, और पिछले कल ही हमने जो है यहाँ पे किसकी साग की और लहसुन की और बैंगन है ना, टमाटर की ये जो है वो लगाई हुई है, ताकि जो कल परसों है हम यहाँ से थोड़ा हरी हरी सब्जियाँ खा सकें अपनी बाड़ी में से। और पेड़ का बूटा भी थोड़ा बड़ा हो रहा है इधर, और एकदम मस्त मस्त वाली हवा चली हुई है। शायद क्या ठंड भी हो रही है, इसलिए मैंने जो है स्वेटर डाल के रखी हुई है। और पार्क के नज़ारे एकदम मस्त मस्त वाले हैं यूट्यूब फैमिली ये। तो चलिए चलते हैं और आज की इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अच्छे पकोड़े गरम गरम। हाँ, तो पकोड़ों में क्या क्या डाला है? पकोड़ों में सिर्फ आलू बेसन ही डाली है दोस्तों। हाँ, और तेल रखा है गरम करने के लिए। यस, और गरम गरम पकोड़े तलेंगे अब तेल में। आहा, एकदम स्वाद वाले है ना। हाँ जी। तो इसमें आयु मेरी हेल्प कर रहा है और मोनू मासी हेल्प कर रहे हैं साथ में। तो हम सब मिल के बना रहे हैं पकोड़े आलू के, टेस्टी टेस्टी वाले। तो अब आता है हमारे खाने का टाइम। करो टेस्ट, करो कैसा है। माओ ले टेस्ट कर के तू। ले ले ले। बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। खाओ फिर, चटनी के साथ भी खाओ। मामी जी कहाँ है? मामू ऊपर है पहाड़ी में, जंगल में भैंस के साथ। अच्छा, अद्वारी। अद्वारी। आप कब जाओगे? सवेरे सवेरे। ओके जी, अभी के लिए लंच ब्रेक कर रहे हैं ये। और अब जाना कहाँ से खा रहा तो कैसे बने हैं पकौड़े? बहुत टेस्टी, स्वाद एकदम। तो पोगो कितने रेट देना चाहोगे आप? 10 आउट ऑफ 10, 100 ऑफ 100 नी। और पू तो खाइएगा नानी, खाइएगा तो खाइएगा नानी भी टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम पीहो के दादाजी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। तो पीहो कैसे हैं अब वो दादाजी? ठीक है फिलहाल। अच्छा, तो बड़े दिनों के बाद मैं भी जा रही हूँ आज उनसे मिलने, तो चलते हैं नीचे। अब लोकेशन का तो आपको पता ही है, नीचे ही है गाँव। जो आप जो मतलब वो इन पीहू के डेली ब्लॉग देखते हैं तो उनको तो पता ही है कि दादाजी के घर कहाँ पे है, नीचे हैं। तो आज बड़े दिनों के बाद चलते हैं और मेरे प्रिय दादू जी का जो है हाल चाल। तो ये सेब के पेड़ लगे हैं बीच बीच में, और ये लगे हैं थोड़े थोड़े से। है पर उतने नहीं है, थोड़े थोड़े बहुत हैं। दादी मस्त मगन टोल मोटे की वही है, बेबी सोया है, बेबी सोया है। और इधर दूसरी दादी इधर दार है, बुआ दार है, बेचारा नौरा ठीक ही लगे। हाय हेलो कर छे दादी एड़े। दादी ठीक हो तू? थारी और तो इस पॉपुलर आज रात लू आज। क्या ये मेरी भाभी का बेटा है प्यारा सा आदि? आदि हेलो आदो। और ये आगे अल्ट्रा प्रो मैक्स, इधर बीड़ी फूकते हुए हर बार की तरह कुतो बोलते ना सने ना विष्णु ना। और यहाँ पे अपने हस्बैंड की सेवा करते हुए मेरे दादी जी,
तो दादी ने ये स्पेशली पकड़ा है ना मक्खियाँ, ताकि दादू पे बैठे ना और दादू आराम से सो सके। हवा का झोंका कर रहे हैं दादी इधर। दादी दी आऊँ कहाँ आती है, वह आऊँ कहाँ आती है, हवा तो खिंची गई है। दिया दे हवा है इधर देख, इधर देख दादी का प्यार, दादी का प्यार। और इनको ना दादी की मालाएं पसंद आ रही हैं, उनको पकड़ रहा है। अदु अदु आ जाओ, अदु स्माइल करो। उनके फोटो अलाउ रिकॉर्ड है कौन है तुझे और वेश में नीतो को। तो अभी हम खाएंगे भाभी जी के हाथ का खाना, टेस्टी टेस्टी भिंडी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा नमक चेक कर लेती हूँ पहले, देखो तुम घाटा तो अभी आग के सेक में गर्मा गर्म फुलके खाएंगे भाभी जी के हाथ के। तो भाभी जी अभी फिलहाल के लिए घी लाने गए हैं, तो थोड़ा हाँ हमारे मना करने के बावजूद भी, तो अभी फिलहाल हम देसी घी में खाएंगे भिंडी की सब्जी। और आग का सेक भी एकदम मस्त वाला लगा है। ए लाई है कि घी हाँ, तो ये लेके आ गए। तो जल्दी से अब परोसते हैं खाना, खाते हैं और चलते हैं। क्यों जाते हैं, टाइम बहुत हो गया। कितने बजे आए थे? हाँ बड़ी देर हो गई आज, 12:30 बजे आए थे। पहले खाना खाते हैं और चलते हैं घर की ओर। ओके फैमिली, फिलहाल के लिए यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार प्यार कमेंट्स करके भेजें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय शंकर, जय माता दी।